ओके, सो नेक्स्ट डिजीज जो है वो हमारे पास कम्युनिकेबल में आ जाता है, हमारे पास डेंगू। ठीक है, डेंगू की प्रेवलेंस जो है वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, पंजाब में। गर्मियों में इसके से जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा राइज होते हैं और काफ़ी डेंजरस भी साबित होते हैं। रिसेंटली मेरी एक आंटी की डेथ जो है वो डेंगू की वजह से हुई है, और वो भी मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके बताती हूँ। बहरहाल, डेंगू जो है वो एक कॉमन आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, और डेंगू बेसिकली होता किसकी वजह से है? फ्लैवी वायरस की वजह से। और इस फ्लैवी वायरस की तकरीबन 4 एंटीजेनिक सीरोटाइप्स जो हैं वो डायग्नोज हो चुकी हैं, जो कि ये वायरस आपको करती हैं। ठीक है, अब ये डेंगू होता क्यों है? यूजुअली डे टाइम जो है बाइट करता है आपको एक जो आर्थोपॉड है, मच्छर ही होता है ये भी बेसिकली। फीमेल आइडिस एजिप्टाई कहते हैं इसको, फीमेल आइडिस एजिप्टाई, ये आपका एमसीक्यू आता है, सो आपने याद रखना है। जो चारों सीरो टाइप्स हैं वो इसी के थ्रू ह्यूमन की बॉडी में इंटर होती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये हमारे अंदर आ जाता है और हमें इन्फेक्शन कर देता है, तो जो ह्यूमन है ना वो इन्फेक्टिव रहता है फर्स्ट 3 डेज, 3 दिनों तक वो दूसरे लोगों को ये ट्रांसमिट कर सकता है। लेकिन अगर मॉस्किटो यानी यही एडिस है या कोई भी, उसने अगर आके इस इन्फेक्टिव पर्सन को काट लिया और इसका खून पी लिया इन 3 दिनों में, तो वो मॉस्किटो फिर सारी जिंदगी के लिए क्या रहेगा? इन्फेक्टिव रहेगा, और वो जिस जिस को काटता रहेगा जब तक वो जिंदा है, मरेगा नहीं स्प्रे से, तो वो लोगों को इन्फेक्शन कॉज करता रहेगा। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कहता है इसका 3 से 10 डेज हो सकता है। ठीक है, सो 3 से 10 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटे इसकी क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं कि जरा वो माइल्डर फॉर्म होती है, और उसको हम लोग क्लासिकल डेंगी फीवर या ब्रेक बॉर्न फीवर भी कहते हैं। क्योंकि ब्रेक बॉर्न फीवर हम लोग इसलिए कहते हैं क्लासिकल डेंगी फीवर या ब्रेक बॉर्न, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हड्डियों का दर्द होता है, ऐसे लगता है मेरी हड्डियां टूट रही हैं, मसल्स का बोन का बहुत पेन होता है। दूसरी तरफ हमारे पास हेमरेजिक फीवर आता है। हेमरेजिक डेंगी फीवर जो है वो काफी डेंजरस होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, आपको खून की उल्टी आना शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपकी फॉरन डेथ हो जाती है। अब डेंगी आप जहां पर भी सुनेंगे, आपने ओवरऑल अब लोगों से सुन भी लिया होगा, इसकी दो क्लियर कट सिनेरियो में इंडिकेशन होंगी। नंबर वन ये कि जो हिमेटोक्रिट होता है ना, उसकी कंसेंट्रेशन, उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है पेशेंट की बॉडी में जब हम सीबीसी करते हैं। और अगर हम थ्रोम्बोसाइटो प्लेटलेट्स को देखें तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। प्लेटलेट्स नॉर्मली कितने होते हैं? 160 से लेके 4000 तक होने चाहिए, मतलब 1,60,000 से लेके 4 लाख तक होने चाहिए, इसमें वो 1 लाख से भी कम आ जाते हैं। और अगर वो 50,000 से कम आ जाए तो काफी डेंजरस साइन होता है। ठीक है, सो ये दो निशानियां आपने इसकी याद रखनी है। अभी तक मैंने आपको बताया डेंगू जो है वो आपके पास क्या है, एक कॉमन आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन है ह्यूमंस के अंदर। डेंगू जो है वो होता है फ्लैवी वायरस की वजह से है, इसकी 4 एंटी टाइप्स देखी जा सकती हैं, और ये ट्रांसमिट हमारी बॉडी में किस तरह से होता है, मॉस्किटो बाइट के थ्रू होता है, दिन में बाइट की जाती है जो कि करता है एडिस एजिप्टाई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कहा कि इसकी दो क्लिनिकल फेसेस हैं, एक को कहते हैं क्लासिक क्लिनिकल फेस। ये जो क्लासिक क्लिनिकल फेस होती है इसमें होता क्या, इसमें पेशेंट को इनिशियली बहुत तेज बुखार होता है, मलेज यानी इसको सारे जिस्म का बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, हेडेक हो रहा होता है बड़ा शदीद, और इंपॉर्टेंट बात रेट्रोबल्बुलर पेन, उसको आंखों के इर्द गिर्द दर्द होता है। ठीक है, अच्छा, बुखार बहुत तेज होता है, फिर थोड़ा कम हो जाता है, फिर बहुत तेज हो जाता है, कुछ रैशेस भी अपीयर होते हैं लिम्स वगैरह के ऊपर, फिर वो ट्रंक की तरफ जाते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होते, ट्रांजिएंट होते हैं, फिर वो पटीकियाए से बनते हैं, फिर वो डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे यही कह रहा है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा अनफेल फील करता है, और वो डिप्रेस रहता है काफी टाइम के लिए, और ये कुछ साइन सिम्टम्स जो है वो इसमें अपीयर होते हैं, लेकिन वो 3-4 दिनों के बाद थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। हेमरेजिक फीवर कब होता है? हेमरेजिक तब होता है जब बहुत ज्यादा डेंगू जो है वो स्वेयर फॉर्म हो, और ये यूजली डेथ कॉज कर देता है, चिल्ड्रंस के अंदर ज्यादा कॉमन है और ज्यादा स्वेयर होते हैं। इसके साइन सिम्टम्स यही होते हैं, यूजुअली बच्चे के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होगा, बाद में एकदम से ये स्टार्ट हो जाता है। इनिशियली साइन सिम्टम माइल्ड होते हैं, लेकिन फिर एकदम से स्वेयर हो जाते हैं। जब ये स्वेयर होते हैं तो होता क्या है कि आपका जो फेस है वो बहुत ज्यादा फ्लश कर रहा होता है, हेडेक बहुत ज्यादा होता है, कैपिलरी रीफिलिंग टाइम जो है वो कहते हैं डिलेड हो जाता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि अब्रप्ट सा एकदम आपकी बॉडी के अंदर हैमरेज स्टार्ट हो जाता है। हैमरेज का होता है आपको खून की उल्टी आना शुरू हो जाती है, ईयर या स्किन से खून आना शुरू हो जाता है, एपिस्टेक्सिस होती है, हेमेटमेसिस होती है, मेलेना होता है, इसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं, पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि हम लोग इसको किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं। डायग्नोसिस जो है वो इसकी यही है, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन हो सकती है, यानी पेशेंट आके कह सकता है कि मुझे खून की उल्टी हुई या मेरी नाक से खून आया, प्लेटलेट्स कम होंगे तो जाहिर है खून ही आना। दूसरी बात है कि इसका लिवर जो है वो काफी
काफी ज्यादा इनलार्ज हुआ हुआ होता है। अगर हम लोग लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करना चाहें तो लेबोरेटरी पर मैंने आपको बताया दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि एक तो इसका जो हिमेटोक्रिट है वो 20% तक इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मली 40-45 होता है ना, तो 60 तक चला जाता है। एंड उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है कि इसका जो प्लेटलेट्स काउंट है वो क्या हो जाता है बेटे, कम हो जाता है। प्लेटलेट्स आपके पास क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज वो कहते हैं कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा ये हो सकता है कि वायरस को जो है वो सीरोलॉजिकल टेस्टिंग पे आइसोलेट किया जा सकता है। अगर आप सीरोलॉजिकली टेस्टिंग करें तो एंटीबॉडी टाइटर जो है वो एलाइजा के थ्रू हम चेक करें तो बहुत ज्यादा रेज हुआ हुआ होगा, और इसके लिए नॉन स्ट्रक्चर्ड एंटीजन ऐसे जो है वो NS1 वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सिनेरियो में ये क्लिनिकल साइन सिम्टम्स देंगे और आपसे मेडिसिन के लिहाज से, कम्युनिटी मेडिकल लिहाज से इसकी प्रिवेंशन पूछेंगे। तो आपको क्या लगता है अगर ये मच्छर काटने से हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? नंबर वन ये कि जो भी ट्रेवलर्स अगर कहीं पे जा रहे हैं, किसी इलाके में जा रहे हैं, तो उनको यही कहना है कि आपने सोना किधर है, स्लीप अंडर नेट्स, ठीक है, वही जो मच्छरदानियां हैं उनके नीचे जो है वो आप सोएं ताकि आप मॉस्किटो ना काट सके, ठीक है। नंबर टू बेटे ये कि मॉस्किटो रेपेलेंट होते हैं, वो कुछ आते हैं लोशन वगैरह वो लगा लें अपने बाजू हाथ पांव के ऊपर तो मच्छर आपको नहीं काटता है, ठीक है। नंबर थ्री आपने सुना होगा कि कहते हैं कि आपके घरों के अंदर जो भी पॉट्स हैं, जो भी चीजें हैं, गमले हैं, जो भी चीजें हैं उसको पानी से बिल्कुल खुश्क रखें, साफ पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि ज्यादातर साफ पानी के ऊपर आता है। कोशिश करें कि अपनी जो आर्म्स हैं या लेग्स हैं, आर्म्स हैं लेग्स वगैरह हैं उनको क्या करें, कवर रखें गर्मियों के सीजन में और वो भी स्पेशली दिन के टाइम, ठीक है। एंड उसके बाद बेटे स्प्रेज भी होते हैं वो भी आप करवा सकते हैं। एंड देन आपके पास जो है वो जो भी वाटर कंटेनर्स हैं उनको बिल्कुल इम्पटी रखें, कोशिश करें कि उनमें पानी ना रखें, और अभी तक इसके लिए कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आई है, ठीक है। ये हम कर सकते हैं इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल, जिसमें हम लोग दो या दो से ज्यादा वेक्टर कंट्रोल मेथड यूज करके किसी भी एक चीज को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। सो डेंगू के लिए जो इन्होंने इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल है वो ये दिया हुआ है कि आप लोग जो है वो पर्सनल प्रोटेक्शन यही कि आप वो मच्छरदानियां यूज करें, लोशन यूज करें, अपने हाथ पांव को कवर रखें, लोगों को एजुकेट करें, बायोलॉजिकल केमिकल एंड डिक्रीज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को कम करने के लिए आप स्प्रेस करा लें, केमिकल्स आप यूज कर सकते हैं बहुत ज्यादा, और बायोलॉजिकल यही के बहुत ज्यादा इनका वो रखें, ख्याल रखें। उसके बाद ट्रीटमेंट ये आता है बेटे कि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं है, आपने बस सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है, बुखार के लिए एंटीपायरेटिक देने हैं, कंटिन्यूसली पट्टियां करते रहते हैं ताकि उसका टेम्परेचर कम रहे। एस्पिरिन आप नहीं दे सकते, एस्पिरिन आप क्यों नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपको बताया कि नॉर्मली आपके पास जो एराकिडोनिक एसिड है उस पर साइक्लोक्सीजिनेज एक्ट करता है, तो आपके पास क्या बनता है, साइक्लोक्सीजिनेज की प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन से आगे क्या बनता है, थ्रोम्बोएक्सिन ए टू, और थ्रोम्बोएक्सिन ए टू का काम होता है प्लेटलेट एग्रीगेट करना और आपकी ब्लीडिंग को कम करना। अब इस डिजीज में ऑलरेडी टेंडेंसी है कि ब्लीडिंग हो सकती है, तो आप जो ब्लीडिंग कम कर रही है चीज आप उसको इनहिबिट तो नहीं कर सकते ना। एस्पिरिन बेसिकली इस कॉक्स को इनहिबिट करती है, ये नहीं बनता, और प्लेटलेट थ्रोम्बोएक्सिन नहीं बनते जिससे आपकी प्लेटलेट एग्रीगेशन फर्दर इनहिबिट हो जाती है और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए इस पेशेंट को आप एस्पिरिन नहीं दे सकते हैं। अगर शॉक हो रहा है तो आपने फॉरन वॉल्यूम को रिप्लेस करना है, इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड इंबैलेंस को दोबारा से रिटेन करना है, 5% डेक्सट्रोज भी दे सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटे आपके सिनेरियोज हैं, आपने डायग्नोसिस बनानी और प्रिवेंटिव मेजर आप डेंगू की खुद लिख सकते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको पढ़ लेते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहा है हाई ग्रेड फीवर के साथ, जिससे उसको हेडेक है, स्वेयर बॉडी एक है, इसलिए हम ब्रेक बोन डिजीज भी कहते हैं, नेक्यूलो पेपुलर रैशेस भी हैं, और साथ ही हमने देखा कि हिमेटोक्रिट इंक्रीज है लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो क्लियर कट डायग्नोसिस आपकी क्या हो गई, डेंगी। व्हाट मेजर वुड यू रिकमेंड, तो क्या मेजर्स आप रिकमेंड करेंगे, तो यही मेजर्स कि आप लोग मच्छरदानी यूज करें, पॉट्स को ड्राई रखें, बॉडी को कवर करें एंड स्प्रे कराएं, दिस एंड दैट। एक 45 ईयर ओल्ड गार्डनर जो है वो मेडिकल ओपीडी में आ रहा है, उसकी हिस्ट्री है हाई ग्रेड फीवर की, इंटेंस हेडेक है, मसल ज्वाइंट पेन है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन है, फोटोफोबिक भी है वो, उसकी हिस्ट्री है कि उसके काम से ब्लीडिंग भी हो गई है, अच्छा ये अब और निशानी है। फर्दर हमने कहा कि लैब रिपोर्ट ने बताया कि प्लेटलेट लैक से कम है और हिमेटोक्रिट रेज्ड है, तो बेटे इतना आसान है डायग्नोज करना, व्हाट इज योर डायग्नोसिस, तो वो तो हमें पता है कि डेंगू है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा कर दिया कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड बताएं, तो ट्राइड में हम लोगों ने क्या चीजें बतानी होती है, हमने होस्ट, एजेंट और एनवायरमेंट, तो होस्ट हमारे पास कौन होता है, इंसान है, एजेंट इसका कौन है, एडिस इजिप्टायर, वो भी फ्लेवी वायरस के थ्रू आके कर रहे हैं इन्फेक्शन, ठीक है, आप लिख सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। उसके बाद हमने बताना है कि नंबर थ्री चीज हमने बतानी है कि इन्वायरमेंट, तो आपने बताना है समर में ये जरा ज्यादा कॉमन होता है डिजीज, ठीक है। राइट एनवायरमेंटल सैनिटेटरी मेजर दैट वुड यू टेकन टू प्रिवेंट द डिजीज, एपिडेमिक डिजीज, एपिडेमिक प्रिवेंट करने के लिए आप यही कर सकते हैं, यही मेजर्स, एक तो आपने स्क्योरली डायग्नोसिस करनी है, हेल्थ ऑफिसर्स को बताना है और लोगों को एजुकेट करना है, गाइड करना है, और ये सारी प्रिवेंशन जो है वो लेने का कहना है। नेक्स्ट डिजीज जो है हमारे पास वो बड़ा आसान है, डिप्थीरिया, काफी ज्यादा टॉक्सिक है, ये मैं आपको पढ़ाती हूँ।